18 दिसंबर से 19 जनवरी शनिदेव रहेंगे अस्त। पांच राशियों को गाड़ी बंगला पैसा व मिलेगा मनचाहा वरदान। होगा 200% चमत्कार। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं और शनिदेव का अस्त होना इन पांच राशि वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 18 दिसंबर 2018 से 19 जनवरी लगभग 31 दिन के लिए शनिदेव रहेंगे अस्त। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश शनि देवता अपने पिता एवं नवग्रहों के राजा सूर्य देवता के अत्यंत समीप आने के कारण अस्त हो रहे हैं। ग्रह चक्र का सबसे बड़े प्रभावशाली ग्रह माने जाने वाले शनिदेव वर्तमान में अस्थिरता लिए हुए हैं। शनि सूर्य के समीप आ जाने के कारण अर्थात 15 अंश या इससे निकट आने पर अस्त स्थिति में हो जाते हैं। शनि देवता को नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने गए हैं और शनि देवता मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और वहीं मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। लेकिन शनिदेव को सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश माने गए हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है शनिदेव उसके साथ न्याय करते हैं और जो लोग बुरा कर्म करते हैं, बुराई के मार्ग पर प्रवृत्त रहते हैं, शनिदेव उनका साथ नहीं देते हैं, वरन उन्हें दंडित करते हैं। शनि ग्रह जब अस्त होते हैं तो उनकी शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है। जो भी ग्रह अस्त हो जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह सुचारू रूप से फल देने लायक नहीं होते हैं। अस्त ग्रह निष्फल होते हैं, मानो उनकी शक्ति ही उनसे छीन गई हो। फलित करते समय कोई ग्रह कितना अस्त है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में शनि अस्त है, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। ग्रह जितने अधिक अस्त होंगे उतना अधिक ही जो है फल देने में निष्फल होंगे। गणना करके यह ज्ञात किया जाता है कि कोई ग्रह कितने प्रतिशत अस्त है। इसके लिए अस्त ग्रह की सूर्य से दूरी देखना आवश्यक होता है। तत्पश्चात ही उस ग्रह की कार्यक्षमता के बारे में सही ज्ञात होता है। शनिदेव जो कि इस समय लगातार धनु राशि में विचरण कर रहे हैं और 23 जनवरी 2020 तक लगातार शनिदेव धनु राशि में विचरण करेंगे। इस कारण वृषभ कन्या राशि को अढ़ैया शनि एवं वृश्चिक धनु और मकर राशि को 7.5 चल रहे हैं। लेकिन शनिदेव जब अस्त होंगे तो जिन राशि वालों को अढ़ैया शनि चल रहा है या फिर जिनको 7.5 चल रही है उनको उनका जो बुरा प्रभाव है वह देना बंद कर देंगे, क्योंकि शनिदेव की शक्ति कमजोर हो जाएगी और जब शनिदेव की शक्ति कमजोर हो जाएगी तो अढ़ैया और 7.5 का जो परिणाम है वह उनको प्रदान नहीं करेंगे। अर्थात इस कारण इन पांच राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ये पांच राशि वाले सबसे ज्यादा जो है शुभ फल को प्राप्त कर लगेंगे, क्योंकि शनिदेव जब अस्त ही हो जाएंगे तो 7.5 और अढ़ैया का किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव इनके ऊपर नहीं होगा। और जब दुष्प्रभाव नहीं होगा तो इनके लिए कुछ न कुछ ऐसी सौगात इनको इस एक माह के अंदर मिल सकती है जिससे इनके कार्यक्षेत्र में जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है। ये पांच राशियां हैं वृषभ कन्या, वृश्चिक धनु और मकर। ये पांच राशियां इस प्रकार है। तो इन पांच राशि वालों की जो भी परेशानियां हैं वह शनि अस्त के दौरान समाप्त हो जाएगी और शनि जब अस्त हो जाएंगे तो इनको जो है अच्छा फल प्राप्त होने लगेगा। विशेष करके इस महीने चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं इसलिए इन पांच राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। और शनि जब अस्त रहेंगे तो इसका प्रभाव जो है ब्रह्मांड में भी दिखाई देने लगेगा और कई प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब शनि ग्रह अस्त होते हैं तो शनि की जो धातु है लोहा धातु, लोहे में गिरावट आपको नजर आने लगेगी।
उसी प्रकार तेल में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो भारी वस्तुएं हैं, जैसे सीमेंट है, पत्थर है, अन्य जो भी शनि से संबंधित वस्तुएं हैं उनमें भी गिरावट आने लगेगी। साथ ही शनि प्रजा के कारक होते हैं और प्रजा का जो बल है, प्रजा की जो शक्ति है वह कमजोर होने लगेगी। राजा लोग या सत्ताधारी लोग इस दौरान पावरफुल होंगे, क्योंकि शनि जब तक अस्त रहेंगे तब तक प्रजा की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी और राजा भारी पड़ेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो 9 ग्रह माने गए हैं और 9 ग्रह में सबसे खतरनाक और पावरफुल ग्रह माने गए हैं वो शनिदेव। और शनिदेव को शांत करने के अलग अलग प्रकार से उपाय बताए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो शनिदेव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं और प्रत्येक सुख सुविधा शनिदेव की कृपा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शनिदेव को तेल से स्नान कराएं, तेल से अभिषेक करें और तेल का दीपक उन्हें जलाएं। काला कपड़ा, काला तिल, काली उड़द की दाल का दान करना शनिदेव को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला होता है। और शनिदेव के लिए विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे शनिवार के दिन कौवों को काले गुलाब जामुन खिलाना और शनि चालीसा का पाठ करना, इससे शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि आप आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, आपके घर में परिवार के सदस्यों में रोग ज्यादा बढ़ गया है या फिर मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़ा, क्लेश लगातार आपके घर परिवार में बना रहता है, घर परिवार के सदस्यों में मन मुटाव बना हुआ है और कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन को घेरे हुए हैं, तो आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों तेल लगी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आप किसी भी दिन काले कुत्ते को सरसों तेल लगी रोटी खिला सकते हैं। लेकिन शनिवार का दिन उनका सबसे प्रिय दिन होता है, इसलिए शनिवार के दिन अनिवार्य रूप से इस उपाय को आप करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपको शनिदेव किसी भी प्रकार से कोई बुरा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव की एक कथा आती है जिसमें यह बताया गया है कि रावण जो कि लंका का राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जब उसके पुत्र का जन्म होने का समय आ चुका था तब उसने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि जाओ सब अपनी अपनी उच्च राशि में जाकर के स्थापित हो जाओ। सभी ने रावण को शक्तिशाली मान करके रावण की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, लेकिन शनिदेव ने रावण की एक बात को नहीं माना और कहा कि मुझे जैसा ठीक लगेगा, क्योंकि मैं न्याय में विश्वास रखता हूं, मैं अन्याय में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता हूं। इसलिए शनिदेव ने रावण की बात को नहीं माना और शनिदेव अपने हिसाब से, अपनी ग्रहों की स्थिति, अपनी चाल के हिसाब से अपने अंश पर चलते रहे, जिसके कारण रावण के पुत्र को अल्पायु योग कुंडली में निर्मित हो गया था। यह देख करके रावण बहुत चिंतित हुआ और उसने तुरंत जो है शनिदेव को पकड़ करके अपने कारागृह में लटका दिया था, अर्थात बांध दिया था। इससे शनिदेव बड़े ही कष्टमय समय को व्यतीत कर रहे थे। इसके कारण शनिदेव के शरीर में कई घाव हो गए थे, शनिदेव घायल हो चुके थे। लेकिन जब भगवान श्री राम की आज्ञा से श्री हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका का दहन करते हैं और उसके पश्चात जब उन्हें लगता है कि रावण के महल में, रावण के कारागृह में शनिदेव बंधे हुए हैं, तो उनको वहां से मुक्ति दिलाई। तभी शनिदेव ने वरदान दे दिया कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, इनकी आराधना करेगा, इनकी पूजा करेगा, उनको मैं किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि उनका जीवन में सुखमय बना दूंगा, समृद्धिशाली बना दूंगा। इसी कारण शनिदेव जो है हनुमान जी की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और इसी कारण हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उनको तेल भी चढ़ाया जाता है। शनिदेव बजरंग बली की पूजा करने से शांत होते हैं, इसलिए यथा संभव हो तो शनिवार को काले रंग के पशु पक्षियों को भोजन करवावे। काली भैंस, काला कौवा, काले कुत्ते या काले रंग के कोई भी जीव जंतु हो उनको आप भोजन कराएं। काली चीजें जैसे लोहा, काला कपड़ा और सरसों का तेल, काला तेल इत्यादि चीजों का दान करें।
शनिवार के दिन आप यदि किसी भी लोहे के पात्र में अपना मुंह देख करके, अपना चेहरा देख करके छाया पात्र का दान किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर शनि मंदिर में दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी सारी आधी व्याधि अला बला शांत हो जाएगी और आपके पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। तो शनिदेव से संबंधित आप कोई भी उपाय करें और शनिदेव की कृपा लगातार प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।